दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी दूसरी वीडियो का लिंक कैसे लगा सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें जिससे आपको समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना है। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको यहां इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब आपको यहां नीचे कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो सभी वीडियो दिख जाएगी जो आपने अपलोड की हुई है। तो अब आपको दोस्तों किसी वीडियो पर लिंक लगाने के लिए आपको उस दूसरी वीडियो का लिंक आपको चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको उस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेना है। तो लिंक को कॉपी करने के लिए आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कॉपी लिंक पर क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना है। तो लिंक कॉपी कर लेने के बाद अब आप जिस वीडियो पर लिंक लगाना चाहते हैं आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस वीडियो पर लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद आपको यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। और जिस वीडियो का लिंक आप लगाना चाहते हो, यानी आपने जो लिंक कॉपी किया था, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो लिंक पेस्ट करने के बाद आपको बैक आना है और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर वीडियो को चालू करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने जो वीडियो का लिंक डाला था वो यहां शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी वीडियो में दूसरी वीडियो का लिंक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।